मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार के लिए उनकी सरकार में कोई जगह नहीं है। सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला मंडी पहुंचे जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां उन्हें भ्रष्टाचार नजर आएगा वहां वह कार्यवाही करेंगे और जहां अधिकारियों को नजर आता है वहां अधिकारी कार्यवाही करें। यदि दिखने के बाद भी कोई अधिकारी भ्रष्टाचार पर कार्यवाही नहीं करता है तो फिर वह खुद उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बात का जिक्र वह अधिकारियों के साथ शिमला में हुई बैठक में भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में रही कांग्रेस सरकार ने जिनको मजे करवाए थे वह करवा चुकी है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा और भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो मजे करने वाले जो लोग थे उनको मैं कहना चाहता हूँ, वो दिन खत्म हो गया। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के लिए कोई गुजार नहीं, और उसके लिए आप लोग बारे में बड़ा साफ अधिकारियों की बैठक में बड़ा स्पष्ट शब्दों में बात कह करके गए, मुझे नजर आएगा तो मैं कार्यवाही करूंगा। अधिकारियों ने कहा कि आपको अगर नजर आएगा तो आप कार्यवाही करें, मुझे नजर आएगा और उसके बाद अधिकारी कार्यवाही नहीं करेंगे तो अधिकारी ऊपर की कार्यवाही। बड़ी साफ बातें कहने की बात मुझे लगता है कि बड़ी बातें स्पष्ट करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार 46,000 करोड़ का कर्ज प्रदेश पर छोड़ गई है, लेकिन मौजूदा सरकार विकास के मामले में धन की कमी को आड़े नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने बिना बजट की घोषणाएं करके शिलान्यासों के फट्टे टंगाने का काम किया था, लेकिन मौजूदा सरकार उन कामों को पूरा करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बदले की भावना से काम नहीं करेगी और पूरे प्रदेश का सम्मान दृष्टि से विकास करवाया जाएगा। आपकी बात तो हद हो गई, 100 फट्टे शिमला में टांग दिए गए और वहां पर उसका उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास कर दिया, बाकी लोगों को जाके फट्टे लेकर के टांग लो बोलते जाके वहां पर। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ दिल्ली गया था, एडिशन चीफ सेक्रेटरी आकर वो मैं पूछ रहा था कि जो पट्टे लगे इसका क्या होगा, कि मेरे को पूछे कि नहीं डीएम को तो कोई बजट प्रावधान नहीं है। अब क्या करें, सारी चीज लोगों में हमारे लिए चुनौती है, पट्टा तो लटका दिया हटाए वो भी ठीक नहीं, तो बोलेंगे कि हमारा पट्टा काट के बदले की भावना से काम करते हैं, लेकिन हमें कहा नहीं, हम कोशिश करें कि सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जब भी उनके समर्थक इस बात को लेकर नारे लगाते थे तो वह खुद उन्हें शांत रहने के लिए कहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें सीएम का पद मिल गया और मंडी जिला के संघर्ष की जीत हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रेम कुमार धूमल के चुनाव हारने का दुख है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब जब मंडी जिला को ये पद मिल गया है तो फिर इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके लिए कभी करम सिंह ठाकुर तो कभी पंडित सुखराम ने संघर्ष किया था। अब मंडी जिला को ये पद मिला है तो इस पद को बरकरार रखना है। 1982 में इस राज में एक और ऐसा आया था, खुद करम सिंह बनने लगे तो उससे पहले इस आसन में भी आया था, और उसके बाद मंडी की मंडी में 1993 में भी एक और आया था जब पंडित सुखराम ने थोड़ी लगी छोटी बस। वहीं इससे पहले मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर सीएम जयराम ठाकुर का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। जयराम ठाकुर को बतौर सीएम देखने के लिए मंडी में अप्रत्याशित जनसैलाब उमड़ा था। लोगों ने बड़ी ही
गर्मजोशी के साथ सीएम जयराम ठाकुर का स्वागत किया और उनके समर्थन में नारेबाजी की। समारोह में मंडी से कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा सहित सभी विधायक, भाजपा नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।